पंडरपुर के जवान मेजर कुणाल गोसावी हाल ही में आतंकी मुठभेड़ में देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। जवान कुणाल गोसावी की शहादत पर पूरे देश के साथ ही सोलापुर और पंडरपुर की जनता ने शोक जताया। सोलापुर और पंडरपुर के लोगों ने कहा कि कुणाल गोसावी जैसे जवान हर गांव में पैदा होने चाहिए। कुणाल गोसावी हमारे गांव का एक नौजवान आज देश के लिए शहीद हो गया है। कल जो सुबह ये वार्ता हमें मिली तो गांव में सन्नाटा सा हो गया था। दुखी भावना सबके मन में जरूर है, लेकिन अभिमान की भावना है कि हमारा एक लड़के ने देश के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया है। कवठेकर प्रशाला का माजी स्टूडेंट मेजर कुणाल गोसावी कल शहीद हो गए। हमें उस पर गर्व है कि उसने देश सेवा में अपने प्राण नछावर कर दे। वो स्कूल में पढ़ता था तो खेल में बहुत उसका इंटरेस्ट था। उसके दिल में हमेशा देश सेवा का एक चिंतन रहता था। शहीद जवान के पिताजी ने कहा कि उनको अपने बेटे कुणाल गोसावी की शहादत पर दुख के साथ ही गर्व भी है। इन्होंने देश के नौजवानों को संदेश दिया कि उन्हें कुणाल गोसावी की शहादत से प्रेरणा लेनी चाहिए। काय भन वाईट वाटते पण देशासाठी बलिदान केले आम्हाला अभिमान तेवढा पहिल्यापासून त्या बरोबर अभिनव होता त्यांनी देशासाठी करतो तो सतत यावर पडलेला आहे आम्ही कधी त्याला म्हणून तुला जसं पाहिजे तसं करू मला माझ्या अपेक्षा होतं पुढे जाऊ मग तिने मधनच ते जाईल असे थोडं वाटणार आहे दुःख। शहीद कुणाल गोसावी के पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इस आतंकी हमले का सख्त जवाब दे और मेजर कुणाल गोसावी की कुर्बानी जाया ना होने दे। शहीद कुणाल गोसावी के मित्रों ने कहा कि बचपन से ही वो देशभक्ति से प्रेरित था और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की हमेशा से उसकी इच्छा थी और खेल के क्षेत्र में भी वो हमेशा अव्वल रहता था। इसके साथ ही वो अन्य क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेने में माहिर माना जाता था। जुल्फिकार वड्डो, इन 24 न्यूज़, सोलापुर।